हे हाय फ्रेंड्स, होप्स यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ एंड वेलकम इन माय न्यू वीडियो। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सीएमए रोहन शर्मा, एंड स्वागत है आपका मेरे एक न्यू वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएपी कोर्स के बारे में। अगर आप एसएपी करना चाहते हो तो एसएपी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स है और उस मॉड्यूल्स में आपको पे स्किल क्या मिल सकता है अगर आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट मेरा रिसर्च का एक डिटेल्स है जिसमें कंपनी क्या क्या ऑफर कर रही है एसएपी कंसल्टेंट को, आप कितने ईयर में कितना ग्रोथ कर सकते हो, वो सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। मैं स्टार्ट करता हूँ अपने इस वीडियो को और करता हूँ अपनी स्क्रीन आप सबके साथ शेयर। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स और आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन को। यहाँ पे एसएपी एज ए करियर आज का मेरा टैगलाइन है, आज का मेरा टॉपिक है। इस टॉपिक में हम आपको एसएपी के बारे में कंप्लीट नॉलेज शेयर करने वाले। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ खुद के बारे में तो मेरे पास मोर देन 6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है जिसमें मैंने एसएपी के वेरियस मॉड्यूल्स के ऊपर काम किया है। फीको मॉड्यूल, एमएम मॉड्यूल, सीओ मॉड्यूल और अभी मैं एसेंचर में काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने जेनपैक्ट में काम कर रखा है। अभी एसेंचर में मैं एसएपी डेवलपर में हूँ और यहाँ पे बेसिकली मैं कंट्रोलिंग रिलेटेड जो भी कॉन्फिगरेशन होते हैं क्लाइंट रिक्वेस्ट पे मैं वो करता हूँ अपने सीनियर कंसल्टेंट्स के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ईआरपी होता क्या है, क्योंकि व्हाई यू विल ज्वाइन एसएपी एंड व्हाट आर द अदर ईआरपी पैकेज इन मार्केट, आई विल आल्सो डिस्कस अबाउट दिस थिंग्स। सो व्हाट इज ईआरपी? डू यू नो अबाउट दैट? एनीवन हैव एनी आइडिया अबाउट ईआरपी? देन यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। यू कैन जस्ट पॉज दिस वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड यू कैन आंसर बाई सेल्फ। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ईआरपी। स्टैंड फॉर इंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग। आप सबको पता है जब हम बिजनेस करते हैं हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट होती है, लाइक सेल्स का डाटा आपको चाहिए, परचेज का डाटा चाहिए, प्रोडक्शन का डाटा चाहिए, मतलब बिजनेस में जो सारी चीजें हैं उन सबसे रिलेटेड आपको डाटा चाहिए। और इसके लिए हमें बिजनेस में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को भी यूज करना पड़ता है। तो ईआरपी क्या होता है? ईआरपी इन सब चीजों को कंबाइन करने में काफी हेल्प करता है। हमारे बिजनेस की जो नीड है वो रियल टाइम बेसिस पे हमें प्रोवाइड करती है, जिससे जो मैनेजमेंट है वो अपने डिसीजंस राइट टाइम पे ले सके और बिजनेस ग्रो कर सके। बिकॉज एट द एंड हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बिजनेस को ग्रो करना एंड बिजनेस को सक्सेस बनाना। उन सब के लिए ये ईआरपी पैकेज बहुत हेल्पफुल होता है। तो इन शॉर्ट अगर आप यहाँ पे डिफिनेशन देखोगे, एन इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट सर्व्स ऑल डिपार्टमेंट विद इन एन एंटरप्राइज। ठीक है, तो ये ईआरपी का एक डिफिनेशन है जो आप देख सकते हो। अब हिस्ट्री के बारे में बात करें तो कब से इसकी स्टार्टिंग आई, तो ये अप्रोक्स 1962 1960 से इसकी स्टार्टिंग हुई, जब पहला ईआरपी आया था जो इन्वेंट्री कंट्रोल पैकेज था, जो सिर्फ इन्वेंट्री से रिलेटेड था। फिर मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग आया, फिर मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्सेज प्लानिंग आया और फिर 1990 में आके ईआरपी की डेवलपमेंट हुई। इसके अलावा 2000 में फिर इसका एक्सटेंडेड वर्जन आ गया ईआरपी का। फिर फर्दर डेवलपमेंट्स होते रहे। आप सबको पता है कि हर एक आईटी सॉफ्टवेयर्स में, अगर आप मोबाइल में भी कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो, कोई ऐप यूज करते हो, तो हर एक कुछ दिनों के बाद, फ्रीक्वेंसी के बाद उसमें अपडेट्स आते रहते हैं प्ले स्टोर से। सो सेम चीज ईआरपी के साथ भी है। तो एक इसकी एक जर्नी रही है। अब देखो मार्केट में बहुत सारे वेंडर्स है, ये टॉप कुछ वेंडर्स है जो मैंने शॉर्टलिस्ट किया है। पहला वेंडर हमारा एसएपी है, दूसरा वेंडर ओरेकल है, इसके बाद पीपल सॉफ्ट है, जेडी एडवर्ड्स है। तो ये सारे वेंडर्स के पास बहुत सारे मॉड्यूल्स है। जैसे अगर आप एसएपी में देखोगे एसडी मॉड्यूल है जिसको सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोल लोगे, एमएम मतलब बोले तो मार्केटिंग, मटेरियल मैनेजमेंट सॉरी, पीपी बोले तो प्रोडक्शन प्लानिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये सब करके बहुत सारे मैनेजमेंट यहाँ पे मॉड्यूल्स दिए गए। सेम इसके पैरेलल ओरेकल के भी मॉड्यूल्स दिए गए हैं, पीपल सॉफ्ट के भी, जेडी एडवर्ड्स के। बट आप सब अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं हर एक में कुछ ना कुछ मॉड्यूल्स मिस है, लेकिन एसएपी में मैक्सिमम चीजें कवर कर दी गई है। इसलिए आज के टाइम में मैक्सिमम जो बिजनेस है वो एसएपी को फॉलो कर रही है। अब मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ, व्हाट इज एसएपी, पहले हम देख लेते हैं। एसएपी स्टैंड फॉर सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स। ये 1972 में एसएपी जो है, इसका इन्वेंशन 1972 में आईबीएम के 5 एम्प्लॉय ने मिलकर किया था। एंड लेटर ऑन इसके ऊपर फिर फर्दर अपडेट्स आते गए 1972 के बाद, 1970,
ये उसी टाइम का है, जो 70s का जो इयर्स था उस समय जो SAP में डेवलपमेंट्स हुए थे उसके बारे में, फिर 80s में फिर इसकी डेवलपमेंट की गई, फिर 90s में इसकी डेवलपमेंट की गई, फिर 2000 में इसकी डेवलपमेंट हुई। तो आप सबको पता है सॉफ्टवेयर है तो अपडेट्स आएंगे ही आएंगे, इस तरीके से करके इसकी वेरियस अपडेट्स होती गई। और जब ये 2000 के बाद 25 इंडस्ट्री बिजनेस सॉल्यूशन, मोर देन 41,200 कस्टमर इन 120 कंट्रीज। आप देख सकते हो 120 कंट्रीज का मतलब है SAP 2000 में आके एक ग्लोबल सॉफ्टवेयर बन गया, यानी 120 कंट्रीज में SAP सॉफ्टवेयर को लोग यूज करने लगे। और SAP दी वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर वेंडर, ये 2000 की बात हो रही है। अभी मैं आपको दिखाऊं अगर तो ये टॉप 10 ERP सॉफ्टवेयर वेंडर्स की एक लिस्ट है। अगर आप इस लिस्ट में देखोगे तो सबसे टॉप पे SAP है, SAP के बाद ओरेकल है, फिर और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, अदर्स इतने मार्केट को कैप्चर कर रखा है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा पोर्शन देखा जाए किसी भी सॉफ्टवेयर की तो SAP का है। अदर्स में ये आते हैं कि जैसे कोई कंपनी है जिन्होंने अपने खुद के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करवाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ये कंपनी स्पेसिफिक हो सकती है या फिर रीजनल लेवल पे या फिर कंट्री लेवल पे कुछ सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, ये ग्लोबल लेवल के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंट मॉड्यूल। देखो SAP के अंदर दो टाइप्स के मॉड्यूल्स है, एक तो आपके फंक्शनल मॉड्यूल्स है और दूसरा आपका टेक्निकल मॉड्यूल्स है। फंक्शनल मॉड्यूल्स के में ये जो मॉड्यूल्स है, इसके अलावा भी बहुत सारे मॉड्यूल्स है, अप्रोक्स 25 मॉड्यूल्स है SAP के, लेकिन ये वो मॉड्यूल्स है जो सबसे ज्यादा मार्केट में फेमस है और डिमांडेड है। लाइक फीको मॉड्यूल हो गया आपका, जिसमें फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग से रिलेटेड है, PP मॉड्यूल प्रोडक्शन प्लानिंग, MM मॉड्यूल, SDHR मॉड्यूल। ये फंक्शनल मॉड्यूल जो है वो हमारे जैसे लोग सीखते हैं, लाइक मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, समवन विल कोई चार्टर अकाउंटेंट है, कोई MBA प्रोफेशनल है, कोई MCOM है, तो ये फंक्शनल मॉड्यूल्स क्यों ट्रेनिंग लेगा। लेकिन अब कोई IT बैकग्राउंड से बिलोंग करता है तो टेक्निकल मॉड्यूल्स के साथ वो जा सकता है, लाइक ABAP हो गया, एक्सचेंज इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इसके अलावा नेटवीवर, ये सारे फंक्शनल मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन सॉरी टेक्निकल मॉड्यूल्स है। टेक्निकल मॉड्यूल्स में जो जैसे जिन्होंने BTEC कर रखा है या फिर जैसे मैकेनिकल से होता है ना, इंजीनियरिंग से होता है, उन्होंने कर रखा है, उन सब के लिए ये है, कंप्यूटर साइंस से कर रखा है, वो सारे टेक्निकल मॉड्यूल्स के साथ जाते हैं क्योंकि इसमें कोडिंग का इन्वॉल्वमेंट होता है। सॉरी, अब देखो टॉप पेड मॉड्यूल्स है, 25 टोटल मॉड्यूल्स है, जिसमें अगर टॉप पेड मॉड्यूल्स में देखा जाए तो फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग सबसे ज्यादा पेड है, उसके बाद आपके प्रोडक्शन प्लानिंग है, MM मॉड्यूल है, ये आप देख सकते हो सेम जो अभी मैंने पहले मॉड्यूल्स के नाम बताए थे वही मॉड्यूल्स हैं। ये सारे टॉप पेड मॉड्यूल्स है जिसमें आपको सबसे ज्यादा अर्निंग हो सकती है। अगर हम बात करें SAP कंसल्टेंट की क्या सैलरी ऑफर होती है, तो देखो SAP कंसल्टेंट की जो इंडिया में सैलरी पैकेज है वो एवरेज आप लेके चल सकते हो 7.6 LPA आपको मिलता है। बट ये अगर आपके पास अदर क्वालिफिकेशन, लाइक अगर आप CMA क्वालिफाइड हो, फिर आपके पास SAP की डिग्री है या नॉलेज है, तो ये पैकेज चेंज होते रहता है। ये एक नॉर्मल पैकेज स्टैंडर्ड है अगर मैं आपको कहूँ तो। इसमें देखो हाईएस्ट पैकेज 14.2 लाख है और लोएस्ट पैकेज 3.6 है। ये 3.6 में आप कह सकते हो अगर आपने BCOM कर रखा है और फिर आपने SAP सीखा है और आप SAP में अपनी कैरियर स्टार्ट करते हो तो आप लोएस्ट से स्टार्ट करोगे, लेकिन अगर आप CMA CA या फिर MBA या फिर अदर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो आप 7 to 8 लाख आप एजम्पशन लेके चल सकते हो। आप बींग ए फ्रेशर आपकी स्टार्टिंग पैकेज इतनी हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं बात करें, देखो अगर फीको कंसल्टेंट, ABAP कंसल्टेंट, बेसिस कंसल्टेंट, ये सारे कंसल्टेंट के लिए एक एवरेज पैकेज मैंने आपको बताया कि बींग ए फ्रेशर आप इतना एवरेज पैकेज एज ए फ्रेशर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट SAP एक IT सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे पैकेज आप स्टार्टिंग में भले ही आपके कम हो लेकिन ओवर द टाइम यहाँ पे पैकेज रेंज बहुत ज़्यादा है। जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है 4 to 5 years तो आपको एक काफ़ी अच्छा पैकेज मिल सकता है। आप 12 to 15 लाख तक भी आप इजिली आप पहुँच सकते हो सिर्फ 4 to 5 years में, जो कि अदर डोमेन में इतना हाई और इतना फास्ट ग्रोथ रेट नहीं है। अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो TCS, कैपजेमिनी, डिलाइट, इन्फोसिस, ये सारी टॉप IT कंपनीज है जो ये पैकेज ऑफर्स करती है SAP कंसल्टेंट को, 7.3, 7.9 लैक्स, 11.6 लैक्स, 9.9 लैक्स,
ये यहाँ पे आप देख सकते हो बगल में एक्सपीरियंस भी लिखा है कि अगर आपके पास 2 से 10 साल का एक्सपीरियंस है तो 7.3 लाख का है, 3 to 8 लाख यहाँ पे है, 7 to 8 ईयर्स है, 2 to 11, 2 to 10 9.5 लाख। तो एक पैकेज रेंज आपको दिया गया है कि इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन जहाँ तक मेरा इस वेंचर का एक्सपीरियंस है कि बीइंग अगर आप क्वालिफाइड हो और आपके पास 4 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और आप फ्रेशर हो एसएपी का, बस आपके पास नॉलेज अच्छा खासा है, इन डेट केस आप 10 to 11 लाख का पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 10 ईयर्स के बाद तो आप अप्रोक्स 20 लाख के पैकेज पे आप जा सकते हो। यहाँ कुछ और भी कंपनीज की लिस्ट है, यहाँ पे IBM, विप्रो, HCL, कॉग्निजेंट, टेक महिंद्रा, ये सारी कंपनीज है जो काफी अच्छा पे ऑफर करती है। ठीक है, यहाँ पे जो अमाउंट है आप इससे ज्यादा आप अर्न कर सकते हो। ये जो भी अमाउंट है मुझे जहां तक लगता है अप्रोक्स 4 to 5 ईयर्स तक मैक्सिमम आपको ये अमाउंट मिल सकता है। उसके बाद 5 ईयर के बाद आप इस अमाउंट में एटलीस्ट 50% तक का आप हाइक आप कम से कम एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं जो डिफरेंट मॉड्यूल्स के ऊपर हम बात करते हैं। पहले हम फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग, देखो फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग मॉड्यूल्स में जो होता है ना हमारा अकाउंटिंग के ऊपर ज्यादा काम होता है, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, कंट्रोलिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड आप काम ज्यादा सीखोगे। फाइनेंस अकाउंटिंग के अंदर जैसे जनरल लेजर आता है, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल, एसेट्स अकाउंटिंग विथ होल्डिंग टैक्स। कंट्रोलिंग मॉडल में कॉस्ट एलिमेंट, कॉस्ट सेंटर्स, प्रॉफिट सेंटर्स, इंटरनल ऑर्डर्स, प्रोडक्ट कॉस्टिंग, ये सारी चीजें आप सीखते हो। इसके अलावा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल आता है। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखो सेल्स ऑर्डर, प्राइजिंग, पिकिंग, पैकिंग एंड इनवॉइसिंग, शिपिंग, कलेक्शन, ये सारी चीजें आप सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के मॉडल में आप सीखते हो। बट जो लोग फाइनेंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप फीको मॉडल सीखो, उसके बाद आप सीओ मॉड्यूल सीखो। या दोनों मॉड्यूल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप दोनों भी सीख सकते हो या फिर आप दोनों में कोई एक चूज कर सकते हो। मेरे केस में क्या था, मैंने बस बेसिक FI सीखा जो कि सीओ मॉड्यूल में ऑलरेडी कवर्ड होता है, और उसके बाद मेरा पूरा फोकस सीओ मॉड्यूल के ऊपर था। MM मॉड्यूल आ गया। अब MM मॉड्यूल में आप मेटेरियल्स रिलेटेड, मेटेरियल कैसे परचेज होगा, उसकी स्टोर में बुक कीपिंग, स्टोर से प्रोडक्शन में जाएगा, प्रोडक्शन से फिनिश गुड्स बन के आएगा, उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी, उसमें आप सबने पढ़ा होगा कि मेटेरियल क्लेम EOQ मेंटेन करते हैं, EOQ कब उसकी ऑर्डर प्लेस करनी है, उसकी पेमेंट कैसे होगी, वो सारा चीज आप यहाँ पे पढ़ोगे मेटेरियल मैनेजमेंट में। प्रोडक्शन प्लानिंग, आप सबको पता है प्रोडक्शन प्लानिंग वर्ड से समझ में आ रहा है कि आपको प्रोडक्शन के लिए प्लानिंग, यानी आपको अगर कल के डेट में 100 क्वांटिटी की ऑर्डर की डिलीवरी देनी है तो उसका प्रोडक्शन कितने दिन पहले स्टार्ट करना है, उसके लिए परचेज कितने दिन पहले होगा, ये सारा कुछ आप प्रोडक्शन प्लानिंग में आप पढ़ोगे कि एक पार्टिकुलर शिपमेंट की प्रोडक्शन किस तरीके से करनी है, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होती है। यहाँ पे ये सारा कुछ आप प्रोडक्शन प्लानिंग में पढ़ोगे। तो बेसिकली जो प्रोडक्शन प्लानिंग का मॉडल होता है ये मैक्सिमम वो लोग करते हैं जिन्होंने BTech कर रखा होता है, वो प्रोडक्शन प्लानिंग मॉडल्स के साथ ज्यादा जाते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज, आप सबको पता है HR का भी एक मॉडल होता है, बिकॉज कंपनी में कितना एम्प्लॉय या लेबर काम कर रहे हैं, उनके आवर्स, उनकी सैलरी, उनके बेचेज को कैलकुलेट करने के लिए ये ह्यूमन रिसोर्स का भी एक मॉड्यूल है SAP में, आप इसको भी सीख सकते हो। अब अगर आप SAP के ऑफिशियल साइट की बात करो तो www.sap.com/India पे आप जाओगे, यहाँ पे आप SAP सर्टिफिकेशन के लिए या फिर आप SAP के पेड कोर्स के लिए आप जा सकते हो। यहाँ पे फीस काफी हाई होती है थोड़ी सी, तो आप यहाँ पे जा सकते हो, आपको रेडीमेड वीडियोज मिल जाएंगे, सेल्फ लर्निंग वीडियो, सेल्फ लर्निंग नोट्स मिल जाएंगे, उसके बाद आप यहाँ पे एग्जाम में अपेयर करके आप SAP की सर्टिफिकेशन ले सकते हो, जो सर्टिफिकेशन ग्लोबली रिकोगनाइज है बिकॉज ये SAP इंस्टीट्यूट ही आपको प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो लिंक्डइन के ऊपर, CMA रोहन शर्मा, अगर आप लिंक्डइन पे सर्च करोगे तो आप मुझे वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर आप मुझे यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हो, CMA रोहन शर्मा यूट्यूब पे भी आप सर्च करोगे तो मैं आपको मिल जाऊंगा। अब बात करते हैं हमारे इंस्टीट्यूट की, तो हमारे इंस्टीट्यूट जो SAP का कोर्स ऑफर करती है उसमें आपको ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि सर्टिफिकेट इंडियन गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड है, ना कि SAP इंस्टीट्यूट द्वारा। हम आपको लाइव ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जो इंटरेक्टिव, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेज होता है, इट मीन्स ये इट इज ए
आप इसको फेस टू फेस लाइव क्लासेज कह सकते हो, ये स्काइप के थ्रू, जूम के थ्रू कंडक्ट किया जाता है, जिसमें आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो फैकल्टी से वन टू वन बेसिस पे भी। अप्रोक्स एक क्लास में 5 to 10 स्टूडेंट्स हमारे होते हैं। अभी हमारे ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कमेंट करके आप इसके बारे में और डिटेल्स ले सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।